सनही थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, जिसमें संलिप्त 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये गैंग भी अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग है। जो बरामद गाड़ियां हैं, ये इनका लिंक सुल्तानपुर में मुकदमा पंजीकृत है, इनके संबंध में अमेठी में भी अभियोग पंजीकृत है और अपने यहाँ हैदरगढ़ और रामसनेही घाटों में पंजीकृत है। इसके अलावा जो गाड़ियां 4 हैं उनके संबंध में इन्होंने स्पॉट तो बताया कि ये लखनऊ के गोसाईगंज से गंगागंज से इन्होंने उठाया था, उस संबंध में हम अभी वहां से जानकारी कर रहे हैं और उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से इस अभियोग जो गैंग है ये 5 लोगों की है और इस पे जो घटनाएं खुली हैं वो 8 है और 8 गाड़ियां बरामद हुई हैं और इन सब को भी हम वाहन चोर गैंग के रूप में पंजीकृत करेंगे और इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। तो ये वाहन कहां ले जाके बेचते थे कुछ? ये इनका टारगेट जो वाहन का था, जो इन्होंने स्पॉट टू स्पॉट खड़ा कर रखा था, पर्पज ये था इनका कि हम देहात क्षेत्रों में जो खासतौर से जो स्कूली छात्र होते हैं, जो जरूरतमंद होते हैं, तत्काल सस्ते दामों को उसको बेचेंगे और यही इनका पर्पज था। इसमें जो एक व्यक्ति है वो पहले भी जेल जा चुका है और जो उसी के साथ लग करके सभी लड़के इसमें काम कर रहे थे चारों।